तो हम पढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था ये ट्रांजिस्टर जो है हमारे पास, ट्रायोड जो है या बाईजंक्शन ट्रायोड जिनको आप बोलते हो उनके बारे में पढ़ा था। पीएनपी टाइप होता है हमारे पास, एक एनपीएन टाइप होता है। तो अब जो हमारे पास है ट्रांजिस्टर है, इसका काम ये वर्किंग, इसके वर्किंग कैसे होती है, ये कैसे काम करता है। तो आप कोई सा भी ट्रांजिस्टर ले लो, पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लो या एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लो, दोनों काम देखेंगे कि दोनों का वर्किंग जो है वो कैसा होता है। बट इससे पहले इसमें जो हमारे पास डिफरेंट कॉन्फिगरेशन है इस ट्रांजिस्टर की, डिफरेंट कॉन्फिगरेशन जो है हमारे पास इन ट्रांजिस्टर्स की, चाहे पीएनपी हो या एनपीएन हो, एक होता है कॉमन बेस, कहते हैं इसको कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन में क्या होता है कि हमारे पास जैसे पीएनपी है या एनपीएन, एक बनाता हूं मैं, बाकी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर की सिंबल है। ये है हमारे पास एमिटर, ये है हमारे पास बेस और ये हमारे पास कलेक्टर। तो अगर ऐसे करंट जा रहा है तो पीएनपी, अगर नीचे से ऊपर इसके एरो है तो एनपीएन। तो कॉमन बेस क्या कहते हैं कि अगर आपके पास क्या होगा, इनपुट और आउटपुट में दोनों में कौन सी चीज कॉन्स्टेंट, मतलब सेम, कौन सा टर्मिनल सेम है। तो मैं इधर वो बैटरीज वगैरह नहीं बना रहा हूं, तो इसमें क्या है, ये बेस जंक्शन जो है इट इज बिटवीन द इनपुट एमिटर एंड बेस के ऊपर इनपुट, कलेक्टर और बेस के ऊपर आउटपुट। तो ये बेस जो है ये इनपुट में भी और ये बेस आउटपुट में भी, इसको हम बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन। ऑलराइट, सेकंड है हमारे पास, सेकंड है कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन। कॉमन एमिटर, कॉमन इसको हम बोलते हैं कॉमन एमिटर, कि अगर आपके पास क्या होगा, एमिटर जो है वो कॉमन हो। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे। ये हमारे पास पीएनपी है या एनपीएन है हमें नहीं पता अभी, वो दिखाएंगे हम इधर। तो अगर एमिटर से बेस ऐसे जा रहा है तो ये बन गया क्या, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो अब इसमें क्या है, हमने इनपुट दिया है इन दोनों के बीच में, ये है हमारे पास इनपुट और इन दोनों के बीच में हमने दिया है क्या, आउटपुट। तो इस केस में क्या होगा, ये जो एमिटर है ये है बेस, ये है कलेक्टर। एमिटर इज बिटवीन इनपुट एज वेल एज इन आउटपुट सर्किट, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन। तीसरा है हमारे पास कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन, दैट इज सीसी कॉन्फिगरेशन, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को हम ऐसे बनाएंगे, सॉरी ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ऑलराइट। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, आपकी मर्जी है कैसे बनाना है, उल्टा करके ऐसे या ऐसे। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास बेस है, ये हम ऐसे बनाएंगे इसको, ये मान लो ये है हमारे पास एमिटर है, ये हमारे पास ये है बेस हमारे पास, ये और ये है हमारे पास क्या, कलेक्टर। तो ये जो कलेक्टर है, इट इज इनपुट इज बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस, यहाँ पे हमने लगाया है इनपुट, ऑलराइट। और आउटपुट जो है वो हमने दिया है किधर, इधर। तो जो मतलब ये कहने का है कि हमारे पास जो है क्या है कि कौन सा टर्मिनल इनपुट में भी और आउटपुट में भी आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कलेक्टर आ जाता है तो कलेक्टर कॉमन कलेक्टर, बेस आएगी तो कॉमन बेस, एमिटर आ गया तो कॉमन एमिटर। इनमें से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में आप वर्किंग देख लो, वो आपकी मर्जी है। कॉमन बेस वाला कॉन्फ़िगरेशन ले लो आप, कॉमन एमिटर वाला ले लो या कॉमन कलेक्टर वाला कॉन्फ़िगरेशन, बट द मोस्ट जो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, दैट इज कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कॉमन एमिटर एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में दो तरीके हैं आपके पास। जो हमने बोला कि पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्किंग में यूज होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। इसके ज्यादा एप्लीकेशन है, इसके भी अपने एप्लीकेशन है, बट इसके एप्लीकेशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ट्रांजिस्टर देखोगे, इसमें एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज एन टाइप एंड द पी टाइप इज सैंडविच्ड बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ऑलराइट। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ पीएनपी, इसमें हमारे पास है एक पी टाइप है एंड एन टाइप इज सैंडविच्ड बिटवीन टू पी टाइप्स। अब पी टाइप जो है, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बोला था कि दिस इज हैवीली डोप्ड, मॉडरेट डोपिंग, द लाइटेस्ट डोपिंग, हैवी डोपिंग, मॉडरेट डोपिंग, लाइटेस्ट डोपिंग। तो यहाँ पे हैवी डोपिंग वाले जो है वो है पी टाइप। पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो क्या होते हैं, होल्स। यहाँ पे भी इसमें, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं पीएनपी में, मेजॉरिटी चार्ज
कैरियर जो होते हैं वो है यहाँ पे होल्स, ओके। और अगर इस केस में देखोगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ऑलराइट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो होते हैं वो कौन है, वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमें ये भी पता है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटर होती है किससे, मोबिलिटी ऑफ होल से, बिकॉज ऑफ द लेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनकी मूवमेंट जो है, मोबिलिटी मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है किसके मुकाबले में, इन कंपेरिजन टू दिस द मोबिलिटी ऑफ द होल्स, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज एंड स्मॉलर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द होल्स। तो यहाँ पे जो है कंडक्टिविटी जो है पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए इसके एप्लीकेशन भी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ही देखेंगे और इसी एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग अब दोनों की देखेंगे, बट जब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे क्या सारे जो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं सारे पीएनपी हो या एनपीएन हो, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या एनपीएन के वर्किंग की बात करेंगे हम, जो हमारे चलो पीएनपी हमने लिखा है तो पीएनपी की बात करेंगे हम। तो पीएनपी में क्या होता है, हम एक ट्रांजिस्टर बना लेते हैं यहाँ पे, ओके। पीएनपी में आपको डिटेल्स पता है, इसमें एक है पी टाइप पहला, सेकेंड वन इज एन टाइप, देन दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप, दिस इज पी टाइप, ओके। तो जो हमारे पास क्या होता है, पी पहला जो है हमारे पास इसका जो टर्मिनल है दैट इज दिस, इसका टर्मिनल है दैट इज दिस, और इसका टर्मिनल है दैट इज दिस। इसमें क्या होंगे, होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी ऑब्वियसली, बिकॉज दिस पी टाइप मेजोरिटी चार्ज कैरियर ये होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बिकॉज दिस एन टाइप, अगेन यहाँ पे क्या है, होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑलराइट। तो इसमें क्या होता है, इनपुट जो है पी एंड एन, एमिटर एंड बेस, इफ दिस इज एमिटर दिस इज बेस दिस इज कलेक्टर, तो ये जो है ये हमेशा होता है फॉरवर्ड बायस्ड, मतलब पी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। और जो हमारे पास ये आउटपुट होता है इट इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड, एन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड पी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, सो ये जो हमारे पास होता है इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड ये होता है हमेशा किसमें, रिवर्स बायस्ड। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही हमने ये मान लो यहां पे हमने की रखी हुई है, जैसे ही हमने की जो है क्लोज कर ली तो क्या होगा, ये पॉजिटिव जो है इन होल्स को पुश करेगा अपने से दूर, और राइट बिकॉज ऑफ द अपोजिट फील्ड ये यहां से दूर जाएंगे, तो ये होल जो है दे विल डिफ्यूज थ्रू द पी एन जंक्शन, जो हमारे पास जंक्शन फर्स्ट है इसके थ्रू पास होंगे। एंड व्हाट हैपेंस, सिंस डोपिंग इनसाइड दिस एन टाइप इज लेस ड्यू टू लेस डोपिंग ऑफ एन टाइप, जो हमारे पास बेस लिख सकते हैं हम इसको, इसमें क्या होता है, इसमें जो ये होल जब डिफ्यूज होके इसमें पहुंचेंगे, उन होल्स में से अराउंड 5% जो है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। हाउ, होल होता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे थोड़े इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, दे फिल अप दीस होल्स एंड दीस होल्स गेट न्यूट्रलाइज, 5% इलेक्ट्रॉन होल से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंड 95% जो हमारे पास होल्स होते हैं दे पास टू कहां पे जाते हैं, वे टू जंक्शन सेकंड जो है हमारे पास J2 पास टू कलेक्टर के पास जाते हैं, ओके, दैट इज थ्रू जंक्शन J2, क्योंकि दिस वन इज एमिटर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज कलेक्टर, ओके। तो ये होल जो है ये कहां शिफ्ट हो जाते हैं, यहां। Now, what will happen? अब हम देखेंगे रिवर्स जो है हमारे पास ये वाला आउटपुट सर्किट जो है इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव्स आर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव्स आर कनेक्टेड टू द होल्स। तो व्हाट हैपेंस, जैसे ही इन होल्स की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाती है, ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है और इन होल्स को सेटिस्फाई कर लेता है, इनको फिल अप कर देता है, और उसी टाइम पे क्या हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, वो फ्लो करते हैं और इस टर्मिनल आ जाते हैं, दैट इज हाउ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोस, ओके। सो अगर आप देखोगे ओवरऑल इस सर्किट में क्या होता है, यहाँ पे फील्ड की वजह से, इस फील्ड की वजह से यहाँ पे जब ये होल्स मूव करेंगे, अब हम बोलेंगे यहाँ पे तो होल्स की डेफिशिएंसी हो गई, बट दैट डेफिशिएंसी इज कॉम्पेंसेटेड हाउ, ये फील्ड इधर जो है हमारे पास सेमीकंडक्टर सब्सटेंस होगा, लेट्स से गैलियम आर्सेनाइड,
उनके क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करता है ये फील्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करता है और इट क्रिएट्स एन होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या होता है, ये होल्स आगे मूव करते हैं, यहाँ 5% डिफ्यूज न्यूट्रलाइज होते हैं, 95% आगे जाते हैं, इनको इस वाले बैटरी B2 मान लो, ये बैटरी B1, बैटरी B2 सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉन्स, दे गेट न्यूट्रलाइज, ओके, एंड उसी टाइम यहाँ पे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होके नए होल्स बनते रहते हैं। तो अगर आप देखोगे PNP ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इनसाइड द ट्रांजिस्टर फ्लो करते हैं होल्स, एंड आउटसाइड सर्किट में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो ऑब्वियसली क्या होते हैं, बिकॉज वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है, दैट इज व्हाई इट इज प्रेफर्ड कि ऐसा ही नेचुरली होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ही एक्सटर्नल सर्किट में मूव करेंगे। ओके, सेम इज द केस विद, अगर आप क्या लोगे एक NPN ट्रांजिस्टर, उसमें भी ही होता है, उसका भी जो है इनपुट सर्किट जो है दैट इज फॉरवर्ड बायस, एंड जो हमारे पास आउटपुट सर्किट है दैट इज रिवर्स बायस। ओके, तो अगर हमारे पास होगा ये NPN ट्रांजिस्टर, दिस इज द मोस्ट यू नो यूजफुल ट्रांजिस्टर, जिसके सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है इन कंपैरिजन टू द PNP, आई टोल्ड यू व्हाई। तो हम बनाएंगे पहले एक PNP ट्रांजिस्टर, सॉरी NPN, इसमें एक बीच में बेस जो है दैट इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप, दिस पी टाइप एंड दिस एन टाइप, दिस एक्ट्स एज एमिटर, दिस एक्ट्स एज बेस एंड दिस एक्ट्स एज कलेक्टर, हियर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर बिकॉज ये एन टाइप है, और हैवी डोपिंग की वजह से इसमें जो है ये एलिमेंट्स भी ज्यादा होंगे, यहाँ पे डोपिंग इज लेस सो नंबर ऑफ होल्स विल बी स्मॉलर, यहाँ पे मॉडरेट डोपिंग है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी होंगे सफिशिएंट, मेजरली चार्ज कैरियर्स। तो इसमें क्या होते हैं, सबसे पहला चीज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ओवरऑल अगर आप ट्रांजिस्टर में देखोगे चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब क्या होता है, हमेशा इनपुट सर्किट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा, एन इज कनेक्टेड टू द एन एंड पी इज कनेक्टेड टू द पी। ओके, तो ये आ गया फॉरवर्ड बायस के केस में, और ये है रिवर्स बायस, पी इज कनेक्टेड टू द एन एंड एन इज कनेक्टेड टू द पी, तो ये बन जाएगा हमारे पास कौन सा, रिवर्स बायस। ये इनपुट हमें मतलब नहीं अभी इसके साथ, ये बैटरी B1, बैटरी B2, दिस इज एमिटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। ओके, व्हाट हैपेंस, जैसे ही हम इनपुट में फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिव फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है आगे। ओके, अगेन सेम थिंग, 5% जो है इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ये क्या करते हैं न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, कैसे, विद दीज होल इनको फिलअप कर देते हैं। ओके, बाकी 95% इधर ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, जब ये 95% इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ पे क्या है हमारे पास पॉजिटिव फील्ड, ये इनको अपनी तरफ खींच देता है। ओके, अब हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, मगर ये नेगेटिव टर्मिनल उसको कंटिन्यूअसली उतने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता रहता है और इसमें इलेक्ट्रॉन मेंटेन रहते हैं, फिर फ्लो है, यहाँ पे क्या हो जाता है कुछ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, बाकी मूव ऑन कर देते हैं। ओके, उनको पॉजिटिव फील्ड अपनी तरफ जो है वो क्या कर लेता है, ड्राइव करता है, तो यही इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं सर्किट में। तो हम बोलते हैं कि दैट्स हाउ दिस NPN ट्रांजिस्टर इज सेम लाइक दैट। थोड़ा सा मेरे आइडिया बता दें, इसमें डिफरेंस इतना है कि ये N एंड P एंड N टाइप है, इसमें P सैंडविच बिटवीन टू N टाइप सेमीकंडक्टर्स, ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे इस ट्रांजिस्टर के करेक्टरिस्टिक्स, इनपुट एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, IV characteristics of a transistor. IV characteristics, that is the graphical relation between the current and voltage. Okay, but हम यहाँ पे बात करेंगे कौन से configuration की, common base configuration. आपको मर्जी होगी कोई और आप वो भी कर सकते हो. Okay, पहले इसके diagram बनाएंगे हम characteristics find करने के लिए. हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है. ओके, तो ये है हमारे पास है सर्किट, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, हम ले रहे हैं कौन सा NPN ट्रांजिस्टर, जिसके ज्यादा हमने बोले एप्लीकेशन से इस एरो से पता चल जाएगा ये हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है। ओके, इसको हम कनेक्ट करते हैं एक बैटरी के साथ। ओके, ये है हमारे पास इनपुट, ऐसे बनाएंगे। ओके, तो इनपुट पे जो हम वोल्टेज सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं
दैट इज कनेक्टेड लाइक दिस, ये हमारे पास एक रजिस्टर है, ओके ये हमारे पास एक रजिस्टर है, ओके इस रजिस्टर के साथ ये कनेक्टेड है आगे ऐसे, ओके नाउ द बैटरी दैट इज कनेक्टेड हेयर वो ऐसी बैटरी है यहाँ पे हमारे पास, एनपीएन है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, सॉरी यस फॉरवर्ड बायस्ड होगा ये, ओके अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो क्या होगा, एन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, पी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ऑलराइट दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, यहाँ पे जो हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई करी है उसका हम कुछ नाम रखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वोल्टेज, दैट इज वीई, दैट इज एमिटर वोल्टेज, एक वोल्टमीटर रखा है हमने तो वो मेजर करके देता है हमें व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस एट इनपुट, दैट इज इक्वल टू वीई, ओके इजी, नाउ इसके थ्रू एक करंट भी हम मेजर करेंगे तो हम उसके लिए एक एमिटर लगाएंगे, दैट विल मेजर द करंट दैट इज एमिटर करंट दैट इज आईई, ओके इसको हम थोड़ा नीचे बनाएंगे, ये हमारे पास बन गया इसका इनपुट सर्किट, ओके आउटपुट सर्किट में हमारे पास इसी तरह क्या है, कलेक्टर करंट है, यहाँ पे बनाएंगे हम ऐसे, ये हमारे पास और एक माइक्रोमीटर दैट इज कलेक्टर करंट, ओके और हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस होगी दैट इज वी सी दैट इज वोल्टेज एट कलेक्टर, इतनी वोल्टेज होगी हमारे पास एंड वी हैव एन एक्सटर्नल सर्किट, एन एक्सटर्नल सर्किट कैन बी ड्रॉ लाइक दिस, ओके दैट कैन बी ड्रॉ लाइक दिस, ओके जो हमारे पास रिवर्स जो है हमारे पास आउटपुट सर्किट है दैट इज ऑलवेज किस पे रिवर्स बायसिंग में होता है, तो ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल होगा नीचे क्या होगा हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, तो ये ऐसे कंटिन्यू हो जाएगी बैटरी, ओके ये हमारे पास पॉजिटिव ये हमारे पास नेगेटिव, ओके दिस इज ऑलवेज ग्राउंड, ओके तो ये IE जो है दैट इज IE जो है ये एमिटर करंट, IC जो है दैट इज कलेक्टर करंट, कलेक्टर और एक टर्म इसमें आएगी IB दैट इज बेस करंट, ओके तो VE जो है ये हमारे पास कौन सी है वोल्टेज जो हमने अप्लाई करी है दैट इज एट द एमिटर जंक्शन, और क्योंकि हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दिए, ओके तो अब हमने क्या कर रहे हैं, हमने देख रहे हैं इनका ग्राफिकल रिलेशन जो है ग्राफ कैसा बन जाएगा, तो अगर आप इनका ग्राफ देखोगे ये हम करंट यहां से ले रहे हैं, ये करंट हम यहां से ले रहे हैं, ओके दिस इज एमिटर दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर, बेस इज कॉमन इन इनपुट एज वेल एज आउटपुट, सो वी कॉल दैट कॉमन बेस, एंड ऑफकोर्स द ट्रांजिस्टर इज कौन सा वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये हमारे पास, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है सिंपली अगर आप देखोगे करेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, करेक्टरिस्टिक्स होता है ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में, ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, इफ इट इज बिटवीन इनपुट इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज इनपुट करेक्टरिस्टिक, इफ इट इज बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज इट इज आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, ऑलराइट तो हमने सेपरेटली बनाने हैं कि इनपुट करेक्टरिस्टिक्स कैसा दिखेगा इसका ग्राफ और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कैसा ग्राफ दिखेगा इसको, ओके तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट करेक्टरिस्टिक्स की, ये करंट्स की डेफिनेशन ये हमने बोली है यहाँ पे, एंड रिमेंबर वन थिंग फॉर एनी ट्रांजिस्टर दैट होल्ड्स अ रिलेशन दैट दिस एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, कि जितना चार्ज एक एमिटर से निकलता है वही एमिटर से जाके इसके पास फिर इसके पास हो जाता है, तो ये एमिटर करंट जो है ये हमेशा होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे किस किस के बीच में, अगर हम देखेंगे पहले इनपुट करेक्टरिस्टिक, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स तो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स जो है दैट इज ये किसके बीच में है, इट इज ग्राफ बिटवीन एमिटर करंट एंड एमिटर वोल्टेज के बीच में, तो अगर ये ग्राफ प्लॉट करते हैं हम देखते हैं इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो ग्राफ जो है ये कैसा बनता है, इट्स लाइक दिस, इफ यू बट प्रोवाइडेड हम क्या कर रहे हैं कलेक्टर वोल्टेज कॉन्स्टेंट रखते हैं, वीसी जो है ये हमने रखा है कॉन्स्टेंट, ओके अगर आप क्या कलेक्टर वोल्टेज कॉन्स्टेंट रखोगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और अगर क्या करोगे अगर कलेक्टर वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा के कॉन्स्टेंट रखोगे चेंज करोगे, पहले मान लो था 10 वोल्ट अभी 20 वोल्ट रख दिया आपने, तो ये ग्राफ जो है इसमें स्टीपनेस ज्यादा आ जाती है, ये तो ये ग्राफ किस किस के बीच में है, इट इज बिटवीन एमिटर करंट एंड वोल्टेज करंट, दिस एमिटर करंट दिस इज सॉरी एमिटर वोल्टेज दैट्स इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज, तो इनका ग्राफ जो है इट्स कॉन्स्टेंट
यहाँ पे जो मान लो वीसी का है अगर 0 वोल्ट, यहाँ से अगर आप वीसी का वैल्यू देखोगे 2 वोल्ट, तो ये ग्राफ जो है व्हेन यू इंक्रीज द करंट, सॉरी कलेक्टर वोल्टेज बट कीप इट कॉन्स्टेंट, पहले 0 रखा आपने, कोई वोल्टेज नहीं रखी इसके ऊपर, तो मान लो ये ग्राफ बन गई. ऑलराइट, वी सी द रिलेशन इज क्वाइट लाइक इंक्रीजिंग ग्राफ जैसा है, ठीक है कि नहीं. जैसे ही आप एमिटर वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे तो एमिटर करंट जो है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, दिस इज एनपीएन, इनपुट इज ऑलवेज व्हाट इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड. ओके, तो एन इज ग्रेटर द नेगेटिव, पी इज ग्रेटर द पॉजिटिव. व्हेन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस, इट पुशेस मोर इलेक्ट्रॉन्स टू गो थ्रू दिस जंक्शन फर्स्ट वन, देन द अदर थिंग्स हैपन दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी. तो ये इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा इसके थ्रू पास करेंगे, आपको बताया था करंट जो कंडक्टिविटी होती है, यहाँ पे लिखेंगे कंडक्टिविटी होती है दैट इज म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच. ओके, इक्वेशन हमने लास्ट टाइम ड्राइव करी थी. तो व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एनी जंक्शन, यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी एंड इनडायरेक्टली इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू इट. सो इट इज काइंड ऑफ एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ. सो दिस बिकम्स द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनपीएन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर. ऑलराइट, नाउ there are two things that you will observe from this. One is ki ye small increment of voltage se current jo hai bahut zyada increase hota hai, ye this is E not C. okay, aur dusra ye humne dekha ki current jo hai it is almost independent of this, iska uske sath koi lena dena nahi. aap koi fixed value rakhoge to fir ye iske sath vary karta hai. okay, to almost ye independent hota hai, because agar aap dekhoge in dono cases mein graph ka jo hai jo nature hai wo change nahi hota hai. अगर हम इस वोल्टेज करंट कलेक्टर वोल्टेज को चेंज करेंगे तो उससे अगर इसका नेचर चेंज हो जाता है, ये डिफरेंट तरीके से बिहेवियर दिखाता है, देयर इज स्लाइट चेंज बट इट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द कलेक्टर वोल्टेज. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द जो हमारे पास क्या है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या हमारे पास है, दैट इज अ ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में, कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर वोल्टेज के बीच में. ओके, तो हमारे पास आ जाएगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में, कलेक्टर करंट सॉरी कलेक्टर वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट के बीच में. अगर ये ग्राफ अगर आप देखोगे, ये ग्राफ होगा ऐसा, इसका नेगेटिव आप नहीं बना रहा हूं मैं, वो आप आगे देखोगे. ओके, मतलब क्या है इसका, कि जैसे ही आप करंट वोल्टेज जो है इनिशियली अगर आप देखोगे, जीरो से स्टार्ट नहीं किया मैंने. ओके, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी सम कलेक्टर करंट इवन इफ दिस वैल्यू इज जीरो. व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन कि एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट. ओके, चाहे कलेक्टर पे वोल्टेज हो या ना हो, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर वोल्टेज. तो अगर इसका कुछ वैल्यू है, दिस इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल, सो इट ऑलरेडी हैज सम वैल्यू माइनस आई बी. ओके, इसका ऑलरेडी कुछ वैल्यू होता है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू इंक्रीज द कलेक्टर वोल्टेज फॉर सम टाइम, इट इंक्रीजेस लीनियरली एज इट फॉलोज द ओम्स लॉ. बट आफ्टर सर्टेन टाइम व्हाट विल हैपन, जब आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो मगर आप ये करंट जो है इसका सेचुरेशन लेवल पहुंच गया है, तो ये अब क्या होगा कि पैरेलल जाएगा ग्राफ, पैरेलल ग्राफ मींस दैट द करंट इज नाउ कांस्टेंट. आफ्टर दिस टाइम इट reach the saturation level. okay, why does it reach the saturation level? agar aap dekhoge npn transistor pe jo last wala hai wo hai enter. all right, to ab isme kitni doping aapne kari hui hai, to jitne ye jo hamare paas terminal hai is always in reverse biasing, n will be connected to the positive. okay, and p will be connected to the negative. so ये रिवर्स बायसिंग केस में होता है. तो अगर आप देखोगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, मगर प्रोवाइडेड यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप देखोगे हम इनपुट वोल्टेज जो है वो क्या रख रहे हैं, कॉन्स्टेंट रख रहे हैं. ओके, तो रिमेम्बर वन थिंग, जो हमारे पास कलेक्टर करंट है इसका जो वेरिएशन है विद कलेक्टर वोल्टेज जो है ये बहुत कम वोल्टेज पे होती है, बहुत कम वोल्टेज पे. कम वोल्टेज मतलब लेस देन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट से कम जो इसका वेरिएशन देखेंगे हम इसका, ठीक है कि नहीं. मगर होता क्या है इस रीजन में, मतलब ये कहने का है कि ये जो करंट जो है ये वैरी करता है विद वोल्टेज ओनली फॉर वोल्टेज लेस देन 1 वोल्ट. मगर प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रांजिस्टर इसके इसके काम नहीं आता इस रीजन में, कभी ये इसको काम में नहीं लाते, इसका काम नहीं होता इस रीजन में. ओके, तो सेकंड, जैसे ही हम क्या करते हैं वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं, जैसे ही वोल्टेज 1 to 2 वोल्ट बन जाती है, ये करंट जो है एकदम से कॉन्स्टेंट वैल्यू अटेन करता है. ओके, हॉरिजॉन्टल कर्व बन जाते हैं. तो इसी रीजन में
ये जो रीजन है हमारे पास, जब ये हॉरिजॉन्टल करंट बन जाता है तो ट्रांजिस्टर इसी के बीच में ऑपरेट होता है, हो जाता है। ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स बिटवीन दिस वैल्यू 1 to 2 वोल्ट व्हेन द करंट इज सैचुरेशन, ऑलराइट। और अगर हम क्या करेंगे, लार्ज वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस करंट में क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज हो जाती है। क्या होती है, कि कहने का मतलब ये है क्यों होगा ऐसा, कि अगर हम क्या करेंगे, इफ कलेक्टर वोल्टेज इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्ज, कलेक्टर करंट इज चेंज, या ऐसे लिखेंगे चेंज इन कलेक्टर करंट इज स्मॉल। व्हाई इज इट स्मॉल, व्हाट हैपेंस इफ यू आर इंक्रीजिंग वोल्टेज बट करंट इज नॉट इंक्रीजिंग। तो अगर आप ओम्स लॉ यूज करोगे, वी इक्वल टू आई आर, कलेक्टर आरएल मींस एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, तो आर लिखेंगे इसको। तो एक ही चांस ये है कि अगर वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ रहा है तो देन ओनली वन एक्सप्लेनेशन, दैट इज लोड रेजिस्टेंस इज एक्सट्रीमली हाई, तो लोड रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई होती है। यही चीज हम यूज करते हैं आगे किसके लिए, फॉर एम्पलीफिकेशन के लिए, क्योंकि एम्पलीफिकेशन जब आप पढ़ोगे एम्पलीफिकेशन में आपको एक आएगा कॉन्सेप्ट कि हम वोल्टेज को देखते हैं, ड्रॉप कराते हैं, कितना चेंज हो जाएगा वोल्टेज। अगर यहाँ पे थोड़ी सी वोल्टेज है, आउटपुट में कितनी ज्यादा चेंज होगी उसमें, तो वो ड्रॉप कितना हो रहा है यहाँ पे वोल्टेज, वो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज डिटरमाइन करता है क्या, कि ये रेजिस्टेंस कितनी ज्यादा है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू डिटरमाइन करेगा। इफ इट इज वेरी हाई वैल्यू देन द ड्रॉप इन वोल्टेज विल बी हाई, इफ इट इज लेस देन द ड्रॉप विल बी लेस, और द करंट, ओके। सो दैट इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज द दैट वाज इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एनपीएन ट्रांजिस्टर, बट कौन सा वाला कॉमन बेस। एंड ऑफ कोर्स अगर आप एमिटर करंट जो है चेंज करोगे तो ये हायर वैल्यू पे सैचुरेशन गेन करता है। लेट्स से इनिशियली ये 5 मिली एम्पीयर, अब मेरे करंट जो है वो क्या रखा है, एमिटर करंट, दैट इज 10 मिली एम्पीयर। तो अब क्या होगा, पहले ये इस वाले वोल्टेज पे क्या हो रहा था, सैचुरेट हो रहा था, अब ये हायर वोल्टेज पे क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, ओके। बट द थिंग इज दैट बट इट विल रिमेन, इट विल रीच अ सैचुरेशन लेवल वेरी सून इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 to 2 वोल्ट। और ये वैल्यू जो है चेंज नहीं हो रहा है, इट इज कॉन्स्टेंट फॉर द होल ग्राफ, 10 मिली एम्पीयर का करंट इसमें पास हो रहा है, ओके। तो दैट इज कॉमन एमिटर, सॉरी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इसकी, और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ये वर्किंग कैसे करता है, ओके। इसके अलावा है, अब इसका जो मेन टॉपिक है दैट इज कि हम इस क्या कहते हैं इसको, ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है इसको हम कैसे यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए, कैसे यूज करते हैं ऑसिलेटर्स एज एन ऑसिलेटर, और कैसे यूज करते हैं इसको एज ए स्विच। तो ये दो टॉपिक्स बचे हैं मेन, जो है हमारे पास एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर और ये लॉजिक गेट्स वगैरह, ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।